हेयर ऑयलिंग करने से हमारे स्कैल्प नरिश रहने के साथ साथ मॉइस्चराइज्ड रहता है, सो हमारे ओवरऑल हेयर हेल्थ में भी इम्प्रूव दिखाई देता है, जैसे कि हेयर क्वालिटी का इम्प्रूव होना, हेयर फॉल रिड्यूस होना और हेयर ग्रोथ में भी इम्प्रूव दिखाई देना। लेकिन हेयर ऑयलिंग करते टाइम हम कुछ कुछ मिस्टेक्स कर बैठते हैं, जिससे हमारे हेयर और भी डैमेज हो सकते हैं। सो चलिए जानते हैं यही सब मिस्टेक्स के बारे में। ऑयल करने से ना हमारी स्कैल्प बहुत ही रिलैक्स हो जाता है और वो बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट को चला जाता है। सो उस टाइम अगर हम बाल कंघी करते हैं तो बाल ब्रेकेज के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इसीलिए आप जब भी ऑयल कर रहे हैं तो पहले अपने बालों को कंघी कीजिए और सारे उलझे हुए बालों को सुलझाने के बाद अच्छे से ऑयल कीजिए, और ऑयल करने के बाद बालों को बिल्कुल भी कंघी मत कीजिए। ऑयल करने के बाद हम लोग स्काल्प को मसाज करते हैं। मैं यूजुअली ऑयल से पहले स्काल्प को मसाज करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऑयल करने के बाद बालों को और स्काल्प को वैसे ही छोड़ देने के लिए। लेकिन आप दोनों टाइम भी कर सकते हैं, ऑयल लगाने से पहले और ऑयल लगाने के बाद। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप ऑयल लगाने के बाद स्काल्प मसाज कर रहे हैं तो बहुत ही जेंटल रहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया उस टाइम हमारे स्काल्प बहुत ही रिलैक्स्ड और फ्रेजाइल स्टेट में होता है। सो आप जेंटल मसाज ही कीजिए, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद बालों को जेंटली मसाज नहीं करने से और बहुत ही हार्श तरीके से मसाज करने से बाल झड़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत जन बहुत ही ज़्यादा ऑयल लगा लेते हैं, इतना ज़्यादा कि उनके बालों से ऑयल टपकने लगते हैं, लेकिन आपको इतना ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस उतना ऑयल लगाइए जितने में आपके स्काल्प और बाल अच्छे से कवर हो जाए। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने से कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं, आपको ज़्यादा शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी उसे अच्छे से साफ करने के लिए, और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शैम्पू यूज करने से आपके स्काल्प भी ड्राई हो जाएगा। सो ओवरऑल वो ज़्यादा हार्म ही करेगा इंस्टेड ऑफ कुछ अच्छा करने का। सो इसीलिए आप इतना ज़्यादा ऑयल भी मत लगाइए, जितने में आपका स्काल्प और हेयर अच्छे से कवर हो पाता है उतना ही लगाइए। ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग, जी हाँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम अगर ओवरनाइट हमारे बालों पे तेल लगा के रखते हैं तो वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को क्लग करने का बहुत ही चांसेस होता है, और ऐसे क्लग हो जाने से हेयर फॉल होता है। और जैसे कि हमें पता है हेयर ऑयल लगाने से हमारे बाल बहुत ही चिपचिपा हो जाते हैं, तो वो आसानी से डर्ट को अट्रैक्ट करता है। सो ये सब रीजंस के वजह से आप हेयर ऑयल को ओवरनाइट मत छोड़िए, आप 2 से 3 घंटा रखेंगे इतना एनफ है। हेयर ऑयल करने के बाद आप कुछ भी टाइट हेयर स्टाइल मत कीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, हेयर ऑयलिंग करने के बाद हमारे स्काल्प बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट में होता है, सो इस टाइम आप अगर कुछ भी टाइट हेयर स्टाइल्स करोगे तो बाल ब्रेकेज होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है। सो आप कोई भी प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल कीजिए, प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल लाइक लूज बन हो गया या फिर ब्रेड हो गया, आप एक प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल करके आप वैसे ही रहिए। ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।